हेलो एवरीवन वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास इलेवेंथ पॉलिटिकल थ्योरी और चैप्टर चल रहा है हमारा राइट्स सो so, राइट्स चैप्टर वी आर कंटिन्यू एंड यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक इज सिंपली राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हक क्या होते हैं और हमारी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं देखिए राइट्स के बारे में वी ऑल नो राइट्स के बारे में वी ऑल डिस्कस बट वट वी डू नॉट डिस्कस कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट्स हमने सबसे पहले ही डाल दिए थे जो हमारे क्या थे फंडामेंटल राइट्स थे लेकिन जो ड्यूटीज थी वो ड्यूटीज हमने बहुत बाद में डाली दैट वॉज अराउंड नाइनटीन सेवेंटी सिक्स जब हम क्या लेके आए थे जब हम लेके आए थे अपना फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसमें क्या होता है कि कोई भी सिटीजन है उसको अपने हक के बारे में तो पूरी जानकारी होगी हो लेकिन जो उसकी जिम्मेदारियां हैं जो उसके राइट्स हैं वो राइट्स याद दिलाने पड़ते हैं इसीलिए इंदिरा गांधी मैडम जी ने जब ये लेके आई थी उन्होंने यही बोला था कि पीपल शुड जस्ट रिमेंबर कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं तो राइट्स नॉट ओनली प्लेस ऑब्लीगेशन अपॉन द स्टेट एक्ट इन सर्टेन वे फॉर इंस्टेंस इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सिंपली वो राइट्स की क्या बात कर रहे हैं कि राइट्स क्या करेगा राइट्स एक तरीके से स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है स्टेट आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता अगर आपके पास हक होंगे तो नहीं तो क्या करोगे आप रिट इशू करा दोगे उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे आप हाई कोर्ट चले जाओगे आप कोई अपना नाम थोड़ी ना खराब करना चाहता है भाई कि हाँ जी इन फलाना फलाना सरकार के खिलाफ ना रिट इशू हो रहे हैं भाई साहब इतने सारे रिट इशू हो गए सो so, इंश्योर करेंगे आपके राइट्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि किस तरीके से आपकी सेफ्टी रहेगी बट दे ऑल्सो प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन ईच ऑफ फर्स्टली वो कंपेल करेंगे कि आप किसी और के हक ना लो भाई सब हो सकता है कि आप जो हो बहुत प्रिविलाइज हो आपके पास बहुत पैसा है बहुत सब चीजें लेकिन किसी और के पास नहीं है तो आपके राइट्स अब क्या करेंगे आपको स्टॉप करेंगे फ्रॉम आपके राइट्स तो हैं बट वो राइट्स ही आपको स्टॉप कर रहे हैं कि आप किसी और को जो है नुकसान ना पहुंचाओ अपनी पर्सनल नीड्स के लिए जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ओजोन लेयर का प्रोटेक्ट करना वाटर पोल्यूशन ग्रीन कवर ये सब चीज़ें मेनटेन करना इकोलॉजी का ध्यान रखना ये सब मेरी जिम्मेदारी भी तो हो जाएंगे ना ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन या हम भी एक अच्छी लाइफ जी सके एक अच्छी जिंदगी जी सके अच्छी जिंदगी तो हर कोई डिजर्व करता है ना चाहे वो हम अभी हैं या चाहे वो हमारी फ्यूचर जनरेशन बाद में सेकेंडली दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स सो आपको दूसरों के राइट्स को रिस्पेक्ट करना है हो सकता है आपके व्यूज दूसरों के व्यूज से अलग हो बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है स्टिल यू हैव टू रिस्पेक्ट द चॉइसेस सो आई डू नॉट वांट अदर टू इंटरफेयर इन द चॉइसेस आई मेक और मैं भी ना उसमें इंटरफेयर करूँ जैसे द ड्रेस आई आईवर जो कपड़े मैं पहनू ऐसा नहीं है कि आ, कोई मुझे इसके लिए बहुत रोके टोके या किस टाइप का म्यूजिक मैं सुनना पसंद करूं तो मुझे उस चीज के लिए कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए रिफ्रेन नहीं होना चाहिए आई मस्ट लीव देम फ्री टू चूज देयर म्यूजिक एंड क्लोथ्स तो आई कैन नॉट यूज अ राइट टू फ्री स्पीच टू इनसाइट अ क्राउड टू किल माई नेबर तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है म्यूजिक क्लोथ्स अपनी चॉइस का होना चाहिए लेकिन फ्री स्पीच का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी क्राउड को ही भड़का दूँ

कि वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाएं यानी कि जैसे मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो मुझे फोटो लेने की इजाजत देता है लेकिन कोई जना अगर नहा रहा है तो बिना उसकी कंसेंट के उसकी फोटो लेके इंटरनेट पे डालना ये कोई आजादी थोड़ी है अब देखिए गोलू भैया कुछ कह रहे हैं गोलू भैया क्या कह रहे हैं कि तुमने लेटेस्ट सिंग स्टिंग ऑपरेशन देखो टीवी पे आई कुड नॉट बिलीव कि कॉन्वर्सेशन जो थी बिटवीन शॉट ऑफिशियल एंड द फेमस एक्ट्रेस ये देखो तुमने आजकल तो न्यूज में बहुत है इन्फैक्ट न्यूज में तो यही सारी सेंसेशनल न्यूज बहुत सारी होती है उस पर दीदी कहती है दैट वॉज चीप सेंजम बहुत चीप था ये राइट टू प्राइवेसी को भंग करता है यू शुड नॉट लाइक एंटरटेन बाय इट अफोर्थली जो सिटीजन को विजिलेंट होना चाहिए अबाउट द लिमिटेशन विच दे मे बी प्लेस्ड ऑन देयर राइट्स तो अगर आपको कोई हक मिला है उस हक पे अगर मैंने कोई रोक टोक लगा रखी है तो वो रोक टोक समझनी है ना आपको जैसे राइट टू स्पीच या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका राइट right है लेकिन उसमें क्या लिमिटेशन है कि उस फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन से भीड़ नहीं भड़कनी चाहिए मेरे कंट्री की सवेरेटी को नुकसान नहीं होना चाहिए और नुकसान नहीं होना चाहिए बेसिकली जो आपकी सारी चीज़ें तो जो अगर आपका राइट टू स्पीच नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट कर रही है तो आपसे वो राइट टू स्पीच ली जा सकती है इसीलिए जब इमरजेंसी लगती है एक्सटर्नल वॉर की वजह से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से तो आपसे आपका राइट टू स्पीच ले लिया जाता है लेकिन अगर इंटरनल ग्राउंड्स पे लगी हुई है तो कोई नहीं ले सकता है आपसे बट एक्सटर्नल में लग जाती है क्योंकि उसमें फिर जंग भड़कने के या बहुत सारी चीजों के काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है सो बट एट वॉट पॉइंट की रिस्ट्रिक्शन किस पॉइंट पे जो है वो पुट की जाए ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या किस तरीके के थ्रेट की हम बात कर रहे हैं कैसा थ्रेट तो ये सब चीजें ये क्वेश्चन का मुद्दा रहता है बहुत सारी चीजें लॉ में लिखी है और बहुत सारी चीजें हमारे अपने मॉरल ग्राउंड भी होते हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए सो इन सच सिचुएशन जो क्वेश्चन है क्वेश्चन टू आस्क इज वेदर द पर्सन इज कंसर्न टू पोजिस ऑफ एम थ्रेट ऑफ द सोसाइटी इवन जो अरेस्टेड पर्सन है दे शुड ऑल्सो भी अलाउड टू लीगल काउंसिल एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देर केस बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसको भी हम राइट देते हैं आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी टू कि उसका कन्विक्शन कैसे होगा या उसको अरेस्ट कैसे किया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रिजनर है या सॉरी किसी को अगर अरेस्ट किया गया प्रिजनर तो वो बाद में बनते हैं तो आप उनके साथ कैसा भी ट्रीट कर लो नहीं उनके भी अपनी राइट टू लाइफ होती है सो so, हमें बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा अबाउट द सिविल लिबर्टी जो हमें मिली है कि किसी भी तरीके से वो मिस ना हो उसका हमें पूरा क्या रखना पड़ेगा उसका हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा सो so, दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था क्या प्रोक्लेमेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि हम आज डिक्लेयर करते हैं पूरे वर्ल्ड में अबाउट द ह्यूमन राइट्स अब इस हिस्टोरिक एक्ट के साथ जो असेंबली थी उसने अपने सारे मेंबर कंट्रीज को बुलाया कि इसके अंदर जो भी था टू कॉज इट टू बी डिसमिनेटेड डिस्प्लेड रीड एंड एक्सपाउंडेड प्रिंसिपल इन स्कूल्स एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विदाउट डिस्टिंगशन बेज पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ कंट्रीज एंड टेरिटरीज वो काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारे मुद्दे डिस्कस हुए थे यहाँ पर कि उन्होंने बोला था कि कैसे हम ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखेंगे इसको ध्यान में रख के हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोनों हमने बना रखे हैं नेशनल जो बेसिकली नेशनल लेवल पे वर्क करेंगे और स्टेट जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में वर्क करते हैं इसीलिए कई बार जो होता है लोग थोड़ा ध्यान से काम करते हैं क्योंकि ह्यूमन राइट्स वोल्यूशन में ह्यूमन राइट्स वाले फिर कहते हैं कि वो बहुत बोलने लग जाते हैं ये सब चीज़ें हो जाती हैं ऑल दो उनके पास कोई ऐसा जुडिशल राइट्स नहीं होता कि जैसे पुलिस वगैरह लोगों के पास होता है पुलिस अरेस्ट कर सकती है जेल में भेज सकती है वो बेसिकली रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट को या जुडिशल्स थिंग्स को जुडिशल प्रोसीडिंग्स को कि मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है अब आप देखो उसको प्लस वो फाइन इम्पोज कर सकते हैं तो ये दो चीजें जो है वो कर सकते हैं नाउ दिस इज और प्रियाम्बल प्रियाम्बल का मतलब क्या होता है बेसिकली कि वेयर हैज द रिक्शन ऑफ इनहेरिटेंट डिग्निटी एंड इक्वल इन एलिबल राइट ऑल ऑफ ह्यूमन फैमिली इज फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम जस्टिस एंड पीस ऑफ द वर्ल्ड वो बोल रहे हैं रिकोग्निशन किसका इनहेरिटेंट डिग्निटी का Equal, inalienable rights का और इन सारी चीजों का तो जो ह्यूमन फैमिली है ना ये क्या फाउंडेशन है? है किसका फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम जस्टिस एंड पीस इन दर्ल्ड जबकि डिसम्प्ट करना या एक तरीके से नापसंद करना ह्यूमन राइट्स को इट है कि अगर हम इंसान की जरूरतों का इंसान का ध्यान नहीं रखते तो जिससे क्या होता है कि लड़ाई झगड़े टेररिज्म फियर बहुत सारी चीजें जो हैं वो कॉमन पीपल को फेस करनी पड़ती है सो so सिंपली so, कहते हैं कि अगर किसी भी चीज का समाधान बातचीत करके निकल सकता है तो उस समाधान को बातचीत करके निकाला जाए उन मुद्दों को बहुत ज्यादा ना भड़काया जाए बहुत ज्यादा ना बढ़ाया जाए सो so, जो पीपल है यूनाइटेड नेशंस के

वो सब चीजों का ह्यूमन राइट्स का फंडामेंटल फ्रीडम्स का हम सब ध्यान रखेंगे और ये सारी चीजें वो बोलते हैं कि नाउ देअर फोर जो जनरल असेंबली थी वो प्रोक्लेम करेगी दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ऑल नेशंस सो यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का प्रियाम्बल है ह्यूमन राइट्स वाले का कि वो बोल रहे हैं कि जनरल असेंबली यहाँ पे प्रोक्लेम करती है इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को ऑफ ह्यूमन राइट्स को एज कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट और ये किसने अचीव किया है सारे पीपल ने सारे नेशन ने टू द एंड ऑफ एवरी इंडिविजुअल कि आप ये देखिए कि जो सारे भेदभाव हैं ये सोसाइटी में ख़त्म होंगे और हम क्या प्रमोट करेंगे